ओके गाइस, ये प्रसन्नजीत जी है, ये हमारे गांव का लड़का है। यूट्यूब पर रहना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं पर मंथ लाखों रुपया। ब्लॉगिंग करना चाहते हैं यूट्यूब पर, यहाँ पर हम चैनल बनाने के लिए आए हैं हमारे पास। तो आज हम इसका चैनल बनाएंगे और आपको भी सिखाएंगे कि यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाएंगे। उसका फुल सेटिंग आप लोगों को बताएंगे, क्या क्या सेटिंग आपको करना पड़ेगा चैनल ओपन करने के बाद, तब जाकर आपका चैनल ग्रो होगा। सब कुछ इसी वीडियो पे डिटेल में बताऊंगा। और आज हम इस मोबाइल फोन के मदद से चैनल क्रिएट करके आप लोगों को दिखाएंगे। एक वीडियो पे मैंने आप लोगों को दिखाए थे लैपटॉप से यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे। वो वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको दे दूंगा, या मेरे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं कि YouTube पर चैनल कैसे बनाएं। एक जीमेल आईडी बनाने से लेकर YouTube पर जितने भी सारे सेटिंग होता है YouTube चैनल पर, सभी सेटिंग इसी वीडियो पे कंप्लीट करने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा बने, बट ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक लोगो दिखाई देगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने एक जीमेल आईडी बना लिया है, इसी से हम चैनल क्रिएट नहीं करेंगे, हम और एक नया जीमेल आईडी बनाएंगे, उस जीमेल आईडी पर हम चैनल को क्रिएट करेंगे और आपको भी सिखाएंगे। सो इसके लिए नीचे ऐड अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है जीमेल आईडी बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा, जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको देना है, फिर कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ये जीमेल आईडी बनाने का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फॉर माय पर्सनल यूज, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नाम देना है, उसके बाद आपका सर नाम देना है, सर नाम का मतलब है लास्ट नाम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रसन्नजीत। ठीक है, प्रसन्नजीत बावरी, ये भाई का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है आपको, उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है मेल, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पर एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको गाइस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देना होगा। ठीक है, पासवर्ड आपको किस तरीके से देना है अब देख सकते, साइड में यहाँ पर लगा दूंगा, इस तरीके से आपको पासवर्ड देना है। अब आपको नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस जीमेल आईडी हमने क्रिएट कर लिया है, अब यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करेंगे चलो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो इसके लिए आपको फिर से लोगो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जो जीमेल आईडी आपने अभी अभी बनाया है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। आपको किस जीमेल आईडी पर आप बना रहे हैं यूट्यूब चैनल, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जीमेल आईडी। जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा योर चैनल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, योर चैनल वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। योर चैनल वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस सबसे पहले आपको चैनल का लोगो देना होगा। ठीक है, पिक्चर वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, पिक्चर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको एक लोगो सिलेक्ट करना होगा चैनल का। अगर आपने लोगो बनाकर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं बनाकर रखा है तो कैसे बनाओगे चलो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सब कुछ डिटेल में। इसके लिए गाइस आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अब गाइस आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले एक कलर बोर्ड सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, येलो कलर को चलो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आ जाएगा, तो इस टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद जो भी आपका चैनल का नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये गाइस हमने यहाँ पर लिख दिया है विलेज, उसके बाद यहाँ पर कलर देंगे। सो कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कलर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्लैक कलर को। अब हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से आपको बनाना होगा। ठीक है, ये मैंने विलेज लिख दिया, अब हम कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बॉय लिखेंगे, ये हमारे चैनल का नाम है विलेज बॉय, ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्किल शेप को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सर्किल शेप को, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्टॉक को एनेबल करेंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर को स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे और सेव का जो कलर है वो हम येलो कर देंगे। इस तरीके से गाइस आपको लोगो बनाना होगा, बनने के बाद इसको आपको सेव कर लेना होगा, यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आपको सेव कर लेना होगा। ठीक है, एंड सेव करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, आपको यूट्यूब जो चैनल है वो आपको ओपन कर लेना है।
चैनल को ओपन करने के बाद आपको पिक्सल लेबल ऑप्शन पर जाना है और इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। आप देख सकते हैं यह हमारा लोगो है, सिलेक्ट हो चुका है। आपको नीचे सेव टू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे आपको सेव कर देना है। उसके बाद गए नीचे देखो एक ऑप्शन है नेम, तो इस नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका चैनल का नाम देना होगा। आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल का एक यूनिक नाम आपको सोच कर रख लेना होगा। तो चलो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है विलेज बॉय, ठीक है। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव होने के बाद आपको हैंडल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हैंडल को सिलेक्ट करना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट कर दिया है। अब आपको करना क्या होगा गाइस, आपको क्रिएट चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये चैनल क्रिएट हो जाएगा, देख सकते हैं ये चैनल आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा चैनल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर हम वीडियोज को अपलोड करेंगे, बट गाइस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है चैनल पर, वो आपको करना होगा। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपका चैनल भाई ग्रो आप नहीं कर सकते, बहुत कुछ सेटिंग है। चलो वो मैं आपको अब आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट, चैनल, अबाउट, ये सारे फीचर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको चैनल पर क्या क्या सेटिंग करना होगा। सो इसके लिए गाइस आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है एंड क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले लॉग इन कर लेना होगा यूट्यूब, ठीक है। आपको youtube.com सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर डेस्कटॉप साइड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। डेस्कटॉप साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड कर लेना है अपने मोबाइल को, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको क्या सेटिंग करना होगा चलो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कस्टमाइजेशन चैनल, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये रीडायरेक्ट कर देगा youtube.studio.com पर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या सेटिंग करना होगा, काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको करना ही पड़ेगा आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इसको नहीं करेंगे ना तो आपका चैनल ग्रो होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपका चैनल सजेस्टेड में नहीं आएगा, सर्च करेंगे तो सर्च में नहीं आएगा, वीडियो अपलोड करेंगे तो वायरल नहीं होगा, काफी सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सेटिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है, जो सेटिंग मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, पूरा एक एक करके पूरा फुल सेटिंग आप लोगों को दिखाऊंगा। अब देखो कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, यू वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग, आप देख सकते हैं इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा बेसिक, ठीक है। आपको यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया सिलेक्ट करना होगा, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान आपको सिलेक्ट करना होगा, नेपाल से है तो नेपाल सिलेक्ट करना होगा, भूटान से है तो भूटान आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, आप ध्यान से देखिए, इंडिया इंडिया सिलेक्ट करना है। फिर गाइस आपको यहाँ पर चैनल कीवर्ड देना होगा, ठीक है। चैनल कीवर्ड का मतलब है कि चैनल का आपको नाम लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है विलेज बॉय, फिर गाइस यहाँ पर आपको कॉमा लगा देना है। फिर गाइस यहाँ पर अपने चैनल कैटेगरी के हिसाब से कुछ कीवर्ड आपको लगा देना है। आपको गाइस यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है रिपीट टैग, फिर आपको यहाँ पर नीचे जो वेबसाइट आ जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है, यूज टोल फूल फ्री ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर इंटर योर टेक्स्ट यूट्यूब वीडियो टाइटल, तो आपको गाइस यहाँ पर वीडियो टाइटल आपको यहाँ पर सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ब्लॉग वीडियो, ठीक है, विलेज ब्लॉग वीडियो आपको लिखना है, फिर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये आपको बहुत सारे यहाँ पर टैग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस टैग को आपको कॉपी कर लेना होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर गाइस आपको ब्लॉग रिलेटेड टैग मिल जाएगा, उसको आपको कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं पेस्ट करने के बाद गाइस ये तो हो गया, ये सेटिंग कम्प्लीट। अब आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एस मेड फॉर किड्स। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नो सेट दिस चैनल एस नॉट मेड फॉर किड्स। उसके बाद ये सेट दिस चैनल मेड फॉर किड्स, यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका चैनल किड्स रिलेटेड है तो आपको यस दिस मेड फॉर किड्स आपको सिलेक्ट करना होगा, और अगर आप किड्स रिलेटेड नए वीडियोज अपलोड करते हो तो आपको यहाँ पर नो सेट दिस चैनल एस नॉट मेड फॉर किड्स ये आपको सिलेक्ट करना होगा, ये गाइस आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्यूचर एलिजिबिलिटी ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर इंटरमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर आपको एलिजिबल करना होगा, ठीक है। इसको एलिजिबल अगर आप करेंगे तो आपके चैनल पर आपको क्या क्या फ्यूचर मिलेगा वो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ।
आपके चैनल पर आप 15 मिनट से ज्यादा लॉन्ग वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। उसके बाद कस्टम थंबनेल लगा सकते हो। कस्टम थंबनेल का मतलब है पोस्टर, जैसे कि आपने यूट्यूब पर देखा होगा काफी सारे सॉन्ग वीडियो पर या मूवीज वीडियो पर पोस्टर लगा रहता है मूवीज का, उस तरह का पोस्टर आप लगा सकते हो अपने खुद से बनाया हो। उसके बाद गाइस आप जो है लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, ठीक है। तो इस फीचर को एनेबल करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर वेरीफाई फोन नंबर वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई फोन नंबर वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर और एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना होगा, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। यहाँ पर देने के बाद आपको गेट कोड पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। तो चलो हमारे यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करके सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो फ्यूचर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं फोन नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब तो आप देख सकते हैं दो नंबर वाला जो फ्यूचर है वो यहाँ पर इलिजिबल हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर तीन नंबर फ्यूचर को इलिजिबल करना होगा। सो इसके लिए एडवांस फ्यूचर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एसएस फ्यूचर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप देख रहे कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर तीन चार ऑप्शन से आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। एक वीडियो के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट आईडी के थ्रू, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेरीफेरी, ड्राइविंग लाइसेंस से आप जो है इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन है बिल्ड चैनल स्टोरी, ठीक है, यहाँ से आप जो है कर सकते हो, ठीक है। गाइस यहाँ पर सबसे पहला नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर गेट ईमेल वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ईमेल पर आ जाना है। ईमेल पर आने के बाद एक ऐसा ईमेल आ जाएगा, यूज वीडियो वेरिफिकेशन टू गेट एडवांस यूट्यूब फ्यूचर, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर स्टार्ट वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे अलाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और एग्री वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर कैमरा वगैरह सब कुछ अलाउ मांगेगा, तो उसको आपको अलाउ कर देना है। और आपको कुछ इस तरीके से आपका वीडियो को वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। आपको अलाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर सब कुछ आपको अलाउ कर देना है। फिर कुछ ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इसको आपको कुछ इस तरीके से वेरिफिकेशन कर लेना होगा, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पर वीडियो अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है, 24 घंटा भी लग सकते हैं ये फ्यूचर एनेबल होने में। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, बाकी आपको फ्यूचर को ऑन करना होगा। चलो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। ये देखो तो आपका चैनल का हाफ यहाँ पर सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर कुछ सेटिंग बाकी है, चलो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको गाइस यहाँ पर सिलेक्ट करना है चैनल टेलर, ठीक है। आप देख सकते हैं चैनल टेलर फॉर पीपल हैवन सब्सक्राइबर, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका अगर आप चैनल का टेलर यहाँ पर लगाना चाहते हैं अपने न्यू सब्सक्राइबर के लिए, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और वीडियो को आपको सिलेक्ट करना होगा। अभी हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं, तो हम इस पर बाद में जो है ऐड करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फ्यूचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, यानी कि आपके चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर है उनके लिए आप क्या वीडियो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जो भी आपका मतलब सब्सक्राइबर है वो ही ये वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर और एक फीचर देखने को मिलेगा, फीचर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट वीडियो को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, उसके बाद वीडियो ऐड कर सकते हो, उसके बाद ऐड स्क्रीन पर ऐड कर सकते हो। काफ़ी सारे आपको यहाँ पर जो है फीचर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रांडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्रांडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चैनल का लोगो आप ऐड कर सकते हो, चैनल का बैनर ऐड कर सकते हो, वीडियो का वाटरमार्क यहाँ पर आप लगा सकते हो अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद गाइस यहाँ पर बेसिक एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस बेसिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर चैनल का नाम दिखाई देगा, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। चैनल का हैंडल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो और चैनल का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर लगाना है। चैनल का डिस्क्रिप्शन जैसे यूट्यूब वीडियो में वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो के बारे में आप लिख सकते हो, यहाँ पर चैनल के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। चैनल का ये डिस्क्रिप्शन है, तो जस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों के एग्जांपल दिखा। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल, ठीक है। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल, जस्ट मैंने ये लिख दिया है आप लोगों को जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर चैनल यूआरएल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चैनल का यूआरएल कॉपी करके आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड लिंक। तो इस ऐड लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड लिंक वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया का लिंक ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, थ्रेड हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम लिखने के बाद यहाँ पर यूआरएल का आपको देना होगा। तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया का 5 लिंक ऐड कर सकते हो। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप अपने बिजनेस ईमेल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बाकी कोई भी कंपनी आपके चैनल के थ्रू कुछ प्रमोशन कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है प्रमोशन करा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके।
अब आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर सेव बल ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब पूरा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब आप इस चैनल पर आराम से आप वीडियो को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट बल ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो अपलोडिंग बल ऑप्शन पर क्लिक करना है, अलाउ कर देना है, और उसके बाद जो भी आपका वीडियो है वो आप आराम से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में गाइस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि चैनल पर न्यू वीडियोस अपलोड करने का सही तरीका क्या है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके वीडियो पर 100% व्यूज आएगा और 100% आपके वीडियो में सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। ठीक है, मैंने भी गाइस इसी तरीके से अपलोड किया था एंड मेरा चैनल को भी मैंने इसी तरीके से ग्रो किया है, वो मैं आप लोगों को तरीका बताऊँ। तो चलिए गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।